अस्सलाम अलैकुम, मैं हूँ आयशा फारूक, खबर टीवी के साथ। आज की ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुखभर में इमरान खान की रिहाई और आम इंतखाबात में मैंडेट चोरी के खिलाफ एहतजाज। ये मुल्क और कौम के साथ जुल्म है। पीटीआई ने मुल्क भर में भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीता। मजीद पीटीआई रहनुमाओं ने क्या कहा, नाजरीन हम आपको सुनवाते हैं। हुक्म दिया है, पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज हो रहा है। इतना बड़ा धांधला, इतना भोंडा मजाक किया है कि रात तक जो जमात 99% जीती हुई थी, सुबह उसको जीरो कर दिया। अल्लाह की इनको अल्लाह की लाठी में आवाज़ है, इंशाल्लाह इनको पड़ेगी। इन्हें शर्म नहीं आती, चोरों को लाके बिठा दिया। जो लोग मुस्तैक हैं, जो लोग ईमानदार हैं, जो इस मुल्क के वफादार हैं, उनको जीरो कर दिया और चोरों को सर बिठा दिया। पूरा पाकिस्तान बंद तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम पाकिस्तान को फलता फूलता देखना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम अपने पुरअमन एहतजाज से जो लोग करता धरता हैं, उनको ये एहसास दिलाएं कि अब बस हो गई है, बहुत हो गया। इतना ना दबाएं कि गुब्बारा फट जाए। अब फटने में बहुत कम टाइम रह गया। लोग रोडों पे आ गए तो भी समझेंगे नहीं इनसे। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद रोडों पे है, लेकिन मैं फिर भी दरख्वास्त करूंगा उन तमाम लोगों से जो अभी भी घरों में बैठे हुए हैं, वो इंसाफ के लिए, हक के लिए निकलें और खान का साथ दें। आपने वोट देके अपना हक अदा किया है, लेकिन इस वक्त जो वोट चोरी हुआ है उसको हासिल करने के लिए आपकी शमूलियत इस तरह के एहतजाज में बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा तमाम लोग, जब एहतजाज की कॉल हो सब निकलें। माएँ, बहनें, बूढ़े, बच्चे, जवान, माजूर, सेहतमंद सब निकलें और खान साहब को यह एहसास दिलाएं कि आप अकेले नहीं हैं। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द हम में मौजूद होंगे।